आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एग्री कम्युनिटीज की। जान लेते हैं रूपा जी से कि आज एग्री कम्युनिटीज का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है। रूपा जी सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे सीड 6100 के ऊपर आज भी सस्टेन होकर चल रहा है 1.25% की तेजी के साथ। रूपा जी देख रहे हैं कि कैसे के अंदर जो पहले वाली तेजी थी 6500-6600 वाली, अब वो कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आ रही है। अभी बीच में ट्रेंड्स ऐसे जरूर बनते हुए नजर आए थे कि जो तेजी है वो 6500 तक एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन वहां से फिर ट्रेंड नीचे की ओर जाता हुआ नजर आया और एक बार फिर से 6100 के ऊपर सिमट के रह गया। आपको क्या लगता है, क्या कैस्टर में यही रुझान देखने को आगे भी मिलता रहेगा? देखिए, अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो एग्री कमोडिटीज का बाजार जो है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो चुका है। बाजारों के अंदर अभी जो ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एग्री कमोडिटीज कभी सभी कमोडिटीज लाल निशान के साथ कारोबार करती दिखाई देती है तो कभी सभी कमोडिटीज में तेजी बन जाती है। तो अभी जो कहने की बात यह है कि इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है, अप एंड डाउन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। जो फंडामेंटल है वो कहीं ना कहीं अपना रोल जो है वो थोड़ा लेट प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी अगर बाजारों की बात की जाए तो बाजारों में अभी उठापटक का माहौल काफी देखने को मिला है। कुछ एक ऐसी कमोडिटीज हैं जो बिना फंडामेंटल के भी तेज होती हुई दिखाई दी हैं और कुछ ऐसी हैं जिनका फंडामेंटल सपोर्टिव है लेकिन उनमें अभी तेजी नहीं बनी है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए अभी कैस्टर की, अगर हम बात करें तो कैस्टर सीड जो है तेजी में है। इसमें देखिए गिरावट जो है वो आई जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा हमने जो लेवल दिया था 6000 का, 6000 के नीचे लुढ़के तभी इसमें मंदी बनेगी, लेकिन आप देखिए वहां पर सस्टेन है। अगला महीने का वायदा जो है वो 6200 के ऊपर निकल चुका है, एक्सपायरी करीब है, त्योहारी सीजन है, तो अभी जो है उठापटक बनी रह सकती है, लेकिन ट्रेंड अभी भी कैस्टर का पॉजिटिव है। डिमांड अच्छे खासे हैं, निर्यात मांग अच्छे खासे हैं, मुझे लगता है कि कैस्टर सीड जल्द ही 6500 का स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है नवंबर वायदे जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि कैसे की डिमांड अच्छी है और फंडामेंटल्स भी मजबूत है, हालांकि उठापटक लगी रहती है वायदा बाजार के अंदर, लेकिन कैसे की कीमतों में अभी भी तेजी देखने को मिल सकती है। जिस हिसाब से निर्यात मांग निकल के सामने आ रही है उससे कैसे की कीमतों को एक गति मिलती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि जुलाई 2021 और अगस्त 2021 में कैस्टर ऑयल की जो एक्सपोर्ट डिमांड है उसके अंदर तेजी देखने को मिली है बीते साल की समान अवधि के मुकाबले, जिसकी वजह से कैस्टर की कीमतों में अभी तेजी देखने को मिल सकती है और रूपा जी के अनुसार कैस्टर की कीमतें 6300 का लेवल दिखलाती हुई नजर आ सकती हैं। ये सर रूपा जी बात करें चने की, तो देख रहे हैं चने का अक्टूबर वायदा 5001 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या जिस हिसाब से अब नवरात्रि शुरू हो गई है, अब डिमांड भी है, खपत भी ज्यादा इन दिनों में देखने को मिल जाती है, आगे दशहरा है, फिर दिवाली भी है, क्या चना उभर पाएगा अपनी, जिस हिसाब से अभी चना 5000 के लेवल पर ही एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, क्या चने की कीमतों में कुछ तेजी देखने को मिल पाएगी, क्या दिवाली मना पाएगा चना इस बार? देखिए चने की अगर अखिलेश बात की जाए तो चने की दिवाली इस बार हो सकता है फीकी हो वायदा कारोबार की, क्योंकि देखिए वायदा कारोबार में आगे के वायदा नहीं है और अभी जो है बाजार जो करंट वायदा देखने को मिल रहा है अक्टूबर वायदा वो एक्सपायरी के बेहद करीब है, तो इसमें तो फिलहाल कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। अब बात करते हैं हम घरे जो मैं हाजिर बाजारों की, तो हाजिर बाजार में बिल्कुल तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, त्योहारी मांग निकलने लगी है। बाहर अगर देखें तो हाजिर मंडियों के अंदर दालों की सप्लाई भी तेज हुई है, दाल और बेसन की मांग जो है वो काफी निकल रही है जो चने को मजबूती देती हुई नजर आ सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो फंडामेंटली चने का खुद का स्टॉक काफी अच्छा खासा है, लेकिन अब अभी जो प्राइजेस है वो काफी नीचे है इसलिए स्टॉकिस्ट अपना माल नहीं निकाल रहे हैं। ऐसे में चने की स्पेशली अगर हम बात करें अराइवल्स जो है वो काफी कम देखने को मिल रही है, इसकी वजह से चने की कीमतें हाजिर में 100 रुपए जरूर तेज हुई थी पीछे और वहीं आगे भी उम्मीद की जा रही है कि त्योहारी सीजन के चलते इसकी कीमतें और ऊपर उठ सकती हैं। और चने के साथ साथ मसूर की अगर हम बात करें, मंडियों में मसूर की आवक भी काफी कमजोर देखने को मिल रही है, आगे उम्मीद यही है कि त्योहारी सीजन के चलते दालों की कीमतों में एक उछाल देखने को मिल सकता है और स्पेशली अगर बात करें चने की तो चने में आगे आने वाले दिनों में तेजी बन सकती है। जी रूपा जी, ये तो खैर बात करी थी हमने चने की और दालों की कि अभी चने और दालों को त्योहारी मांग का सपोर्ट है। रूपा जी जब त्योहारी सीजन खत्म हो जाएगा उसके बाद का क्या है, क्या तब भी चने और दालों की कीमतों में तेजी बनी रहेगी? देखिए चने का स्ट्रोक अच्छा है, अब चने के अंदर तो बहुत ज्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं हम कि लंबी तेजी जो है वो जाता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन हाँ कुछ एक दालें हैं जिनमें तेजी बन सकती है, जैसे कि मूंग है, मूंग की अराइवल्स काफी कम है, मूंग के अंदर उम्मीद की जा सकती है कि उसके बाद भी तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि मूंग की अभी क्वालिटी भी अच्छी नहीं निकल रही है और डिमांड मिलर से अच्छी निकल रही है, तो मूंग में आगे तेजी बन सकती है, मसूर दाल में छुटपुट डिमांड निकल सकती है, तो कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिनमें तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी
ये सर जी बात करें बिनौला खल की, तो देख रहे हैं कि 2582 पर है, अभी भी 2592 का हाई लगा चुका है, आधे फीसदी की तेजी है। आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल अभी कुछ समय और इसी दायरे में कारोबार करता हुआ रहेगा, या फिर बिनौला खल में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल पाएगी? जिस हिसाब से देख रहे हैं कि जो कॉटन की जो फसलें हैं वो खराब होती हुई नजर आ रही हैं, और कॉटन की जो क्रॉप है उन पर कीटों का प्रकोप है, क्या उसकी वजह से बिनौला खल में कुछ छुटमुट तेजी बनती हुई नजर आ पाएगी? देखिए बिल्कुल, बिनौला खल में अभी थोड़ा सा बाउंस बैक एक्सपेक्टेड भी है, और हमने अभी बाइंग का भी रिकमेंडेशन दिया था कि नीचे आप इसके अंदर बाय करके चल सकते हैं, और मुझे लगता है कि 2600 के ऊपर की अगर सस्टेनेबिलिटी आती है तो 2700 तक तो बिनौला खल जा सकता है। जी, यानी कि अगर बिनौला खल 2600 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आता है, क्लोजिंग देता हुआ नजर आता है, सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलती है, तो बिनौला खल की कीमतें रूपा जी के अनुसार ऊपर में 2700 तक का स्तर दिखलाते हुए नजर आ सकती हैं। ये सर रूपा जी बात करें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि जो स्टार्टिंग हुई थी वो तो ठीक ठाक हुई थी ओपनिंग मसालों की, लेकिन वहाँ से अब कुछ ना कुछ फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या मसालों में भी रौनक लौटती हुई नजर आएगी त्योहारी सीजन में, या फिर जो मानसून की गतिविधियाँ तेज होती हुई नजर आई थी और अनुमान लगाया गया था कि जो अगली क्रॉप होगी वो थोड़ी बेहतर साबित हो सकती है, उस सेंटिमेंट के चलते मसालों में गिरावट रहेगी? देखिए मसालों की बात करें तो मसालों में अभी गिरावट देखने को मिल रही है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा दबाव बन सकता है, लेकिन त्योहारी सीजन के चलते एक बार मांग बढ़ सकती है। जी, ये सर जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार में अच्छे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, ग्वार काफी समय से 10,000 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ग्वार के अच्छे दिन आ चुके हैं? रूपा जी आपको ग्वार के अंदर क्या लगता है, क्या ग्वार के अच्छे दिन आ चुके हैं, ग्वार में अभी और तेजी देखने को मिल पाएगी जिस हिसाब से ग्वार लगातार 10,000 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है? देखिए मैं मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर भी अभी बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, ग्वार में लगातार तेजी है और 10,000 के ऊपर भाव जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और 10,000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है तो इसमें 10,500 से 11,000 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी, ये सर जी बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो सबसे पहले आपसे सोयाबीन के ऊपर बात करना चाहूंगा। देख रहे हैं कि यहाँ पे सोयाबीन का अक्टूबर वायदा 5728 पर है। रूपा जी क्रॉप आने से पहले हमने सोयाबीन की जो वायदा बाजार है उसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी तेजी आती हुई देखी थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि क्रॉप की जो जैसे जैसे क्रॉप्स की अराइवल्स बढ़ती नजर आ रही हैं, सोयाबीन की कीमतें और ज़्यादा लुढ़कती हुई नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है, एक तरफ सोयाबीन की आवकें बढ़ जाना, दूसरी तरफ सोयाबीन की जो फसलें हैं बड़े स्तर पर भारी बारिश के चलते खराब हो जाना, आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन में आगे मंदी बनती हुई नजर आएगी इन ट्रेंड्स के चलते या तेजी? देखिए अभी फिलहाल सोयाबीन के अंदर मंदी का माहौल है, और अभी जो है बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी नहीं है, तेजी की तरफ मार्केट दिखाई नहीं दे रहा है। 10,000 के ऊपर बिकने वाली सोयाबीन आज 5,000 के घरों में है, तो मुझे लगता है कि ये 5,000 के आसपास ही ट्रेड करती हुई दिखाई दे सकती है। अभी फिलहाल इसमें बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ खबरें जरूर निकल कर आ रही है कि सोयाबीन की फसलें काफी जगह पर बारिश के चलते खराब भी हुई हैं, क्रॉप को पहले जो है वो काफी ज्यादा डैमेज जो है इस बार देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट हर साल ही ऐसा होता है कुछ ना कुछ जिसकी वजह से क्रॉप के ऊपर इम्पैक्ट आता है, लेकिन डिमांड भी अभी इतनी ज्यादा भी फिलहाल नहीं बनती दिखाई दे रही है। अब उन स्तरों पर जो बाजार जो है वो काफी सुस्त हो चुका है, तो मुझे लगता है कि सोयाबीन अभी हाल फिलहाल में एक रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। नीचे में आप मान के चलिए 5200 से लेकर और ऊपर में आपको ज्यादा 6,000 तक के स्तर मैक्सिमम तेजी में जा सकता है, इससे ज्यादा अभी फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी, ये सर जी बात करें अगर सरसों की, तो सरसों भी देख रही है कि सरसों में जब से हमने देखा है कि एक दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है वायदा बाजारों के अंदर, तब से सरसों की जो कीमतें हैं वो 8300 के घरों में ही एक सीमित दायरे में कारोबार करती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, सरसों में गिरावट के कारण क्या क्या है, जबकि देखने की सरसों के फंडामेंटल्स मजबूती की ओर है और स्टॉक इतना है नहीं? देखिए जहाँ तक सरसों की बात है, के लिए सरसों के अंदर अभी देखा जाए अगर हाल फिलहाल में तो मंडियों के अंदर सरसों की जो है वो प्राइजेस के ऊपर भी दबाव आया है, और ओवरलोड देखा जाए तो काफी, क्योंकि जो प्राइजेस पीछे इतने ऊपर हो गए थे, आप देखिए प्राइजेस अभी भी काफी तेजी पर कारोबार कर रहे हैं, 8,000 के ऊपर सरसों बिक रही है, और इसका इम्पैक्ट ये है कि हरियाणा में और इनफैक्ट हरियाणा के साथ साथ काफी स्टेट्स के अंदर कुछ एक सरसों की मिले भी पिराई मिले जो है वो बंद हो चुकी है, क्योंकि प्राइजेस काफी ऊपर है और आवके भी अगर देखा जाए तो अभी इम्पैक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। अब जो एडिबल ऑयल
कॉम्प्लेक्स है, इसका जो है ट्रेंड जो है वो चेंज होता दिखाई दे रहा है, ना केवल डोमेस्टिक में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी अभी कीमतों के ऊपर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ आयात शुल्क कम होने की जो अफवाहें निकल कर आ रही है उसका भी एक इम्पैक्ट प्राइसेस के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कीमतें नीचे लुढ़कती हुई दिखाई रही है। तो अभी जो ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल जो है बाजारों के अंदर तेजी मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी अभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर आती हुई दिखाई दे सकती है। एडिबल ऑयल पैक के अंदर एक रेंज में फिलहाल कारोबार देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, जानना चाहेंगे आपसे कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन वो कौन सी कृषि फसलें रहेंगी जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है और अगले आने वाले सप्ताह भी अच्छा मुनाफा देखने को मिल पाएगा। देखिए मुझे लगता है कि बिनोला फल अभी यहाँ से अच्छा हो सकता है। बिनोला फल आपको 2700 तक एक बार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बिनोला फल में खरीदारी की रणनीति लेकर चला जा सकता है। बिनोला के फल के साथ कपास काफी अच्छी लग रही है, कपास के अंदर खरीदारी की जा सकती है। और इसके साथ बिनोला फल के साथ साथ आप कैस्टर्ड के ऊपर भी नजरें रख सकते हैं, कैस्टर्ड भी आने वाले दिनों में तेजी दिखा सकते हैं। तो ये 3-4 कमोडिटीज हैं जिनके अंदर अगले हफ्ते ये तेजी देखने को मिल सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कौन सी कमोडिटी किस भाव पर खुलती हुई नजर आई है और उस पर रूपा जी की क्या राय है। फिलहाल सिलसिला बाजार का हमें बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।